अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जो मैंने पोज लगाया था, ये वही आलू खुदरा है आज, जो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था। वही खेत खोदा जा रहा था तो मैंने सोचा आप सभी को दिखा दूँ ये भी। और बहुत अच्छा आलू निकला है और बहुत मोटा भी था, मतलब और बहुत ज़्यादा निकला था। इस तरीके से ही आलू खोदा जाता है, आप सभी को पता हो तो, और जिसको नहीं पता तो वो सब इन्जॉय करें और जिसको पता है वो भी इन्जॉय करें वीडियो। इस तरीके से ये आलू निकलता है खेत से। और हमारा ना ये सेकंड खेत है और अभी एक खेत और बाकी है और बाकी सब फाइनल हो चुका है। आप सभी को मैंने दिखाया इससे पिछली वीडियो में भी, और कोशिश यही है आप सभी को खुश करने की कि आप सभी को नया से नया अपनी वीडियो में कुछ दिखाऊं मैं। तो ये वही नया है जो आप सभी देखना चाहते हो। कोई दो चार दिन से रेसिपी तो नहीं दिखाई, लेकिन मैंने ना ये सारी नई नई चीज़ें आपको दिखाई। इस तरीके से ही खोदा जाता है आलू। आप इंजॉय करते रहें वीडियो। ज़्यादा गीले चल रहे हैं, बिल्कुल गीले चल रहे हैं। और इस मतलब बस यही है, मतलब आलू मस्ती दिन है, 80 दिन में आप देखो आप कि कितना मोटा आलू निकल रहा है और कितना ज़्यादा भी है। सभी इस चीज़ को देख रहे थे और तारीफ भी कर रहे थे, कह रहे बाकी इतने कम दिन में ना यहाँ कितने छोड़ दिया, इतना अच्छा आलू और इतना मोटा निकल रहा था। और अल्लाह की देन है, जिसको भी नवाजे वो अपनी रहमत से अपनी बरकत से। कुछ पता नहीं चलता, कोई भी नेकी हमारी काम आ सकती है किसी भी टाइम। आलू बेल में ना रहे भाई दोस्त। मुझे तो यही लगता है कि हमारी नेकी सिर्फ हमारी फसलों पे ही है भारी, क्योंकि हमारी अच्छी खासी फसलें होती हैं और बहुत नाम भी होता है एक। दे यार ऐसे बेल में मत छोड़, अच्छा निकलता हमारी हर फसल में। अभी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है हम पर, और ये करम अल्लाह ताला सबके ऊपर अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और ये सभी ना लेकर जा रही थी यहाँ से भैंसों के लिए, क्योंकि इसका चारा भी बनाते हैं ना, ये जो ग्रीन ग्रीन घास है, येलो आलू है और ग्रीन वाली जो है ना इसके ऊपर की घास होती है, तो इसे ना भैंसें भी खाती हैं। तो ये ना सारी लेडीज लेकर जा रही थी अपनी अपनी भैंसों के लिए, जिसको भी चाहिए थी वो लेकर जा रही थी, और जिसको नहीं चाहिए थी वही वो तो खेत में पड़ी है। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो भी बहुत पसंद आने वाला है। और प्लीज़ आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप शेयर ज़रूर किया करें वीडियो। और तो हमारी कोई भी आपसे कुछ विनती नहीं होती, सिर्फ लाइक की और शेयर करने की होती है। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, और नहीं लगे तो आपकी मर्ज़ी। और इस तरीके से ही हम आपके लिए नई से नई अपने चैनल पर वीडियो लाते रहेंगे। उम्मीद है आप सभी ऐसे ही प्यार देते रहेंगे हमेशा। एक दिन में बना देंगे आज की मेहनत करेंगे बिलाव जी। और बहुत ठंड थी उस दिन, जिस दिन ये खेत हमारा खोदा जा रहा था ना, तो आप सभी देख रहे हैं कि कितना फोक्स है और बहुत ज़्यादा ठंड थी, और उससे एक दिन पहले रात को ना बारिश भी पड़ी थी, तो इसलिए इतना गीला भी है। और आइए आप दिखाते हैं बच्चों की एक्टिविटी। ये चल रही है मस्ती इधर, जो आप सभी देखें और एंजॉय करें। इसकी भी मस्ती है और आप सबकी भी मस्ती है। देखें किस किस तरीके से ये साइकिल चलाते हैं न। और इनके फुल मस्ती मतलब देखने के बाद अब आप सभी को दिखाते हैं ठंडी का मौसम, की हवा चल रही है। आपको सबको लेके चलते हैं अपने पार्क, एक नज़ारा आपको ना अपनी हरियाली पार्क में भी करवा देते हैं। तो
थोड़ा सा ना अच्छा सा लुक आ रहा था। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन और हमारे पास रेड और ग्रीन ब्लू, और नीचे इसमें आलू भी थे। इस तरीके से इसका व्यू होता है हमारे पार्क का। और ये सारा बंदरों ने ख़राब कर रखा है। ये हमारा जो अड़ोस पड़ोस के घर में गई। बाय बाय, अब सभी से मिलूंगी मैं अगली और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।